Assalamualaikum. आज हम बनाने वाले हैं मोदक। हम चावल के आटे के मोदक बनाएंगे, जो स्टीम मोदक होते हैं वो बनाने वाले हैं। जो ट्रेडिशनल मोदक बनाए जाते हैं स्टीम वाले, चावल के आटे के बनते हैं, तो उसे बनाने के लिए मैंने इधर पे 3 कप पानी को गर्म कर लिया है। उसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून के करीब या फिर 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें घी ऐड कर देंगे और घी को हमें अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। ये इस कप से मैंने 3 कप पानी लिया है, ठीक है। पानी में बॉईल आ जाए, बॉईल मतलब गर्म हो जाए पानी अच्छे से और घी मेल्ट हो जाए, फिर हम इसमें चावल का आटा ऐड कर देंगे। ये चावल का आटा मैंने लिया है, जो कप मैंने आपको बताया था उस कप से 2 कप मैंने चावल का आटा लिया है और 3 कप पानी लिया है। पानी गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और स्लो स्लो आटे को डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। और फ्लेम आपको स्लो ही रखनी है, फास्ट नहीं करना है। लो फ्लेम पर इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे को, ताकि पानी सब जगह अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, आटा अच्छे से हमने पानी मिक्स कर लिया आटे में। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको ढककर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम फिलिंग बना लेते हैं। जो अंदर हम फिलिंग को फील करने वाले हैं उसको पूरन बोलते हैं। जो हम कोकोनट की बनाएंगे, जिसके लिए मैं 1 से 2 टीस्पून के करीब घी ले रही हूँ। घी गर्म होने के बाद 2 कप हम इसमें कोकोनट ऐड कर देंगे। डेसिकेटेड कोकोनट है, घिसा हुआ, इस कप से 2 कप लिया है मैंने, ये रेडीमेड है। इसको हमें भून लेना है, लो फ्लेम पर भूनेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस अच्छी से इसमें खुशबू आने लगे तो हम इसको भूनना रोक देंगे। देखिए, भून चुका है। अब इसमें 1 पिंच यानी 1 चुटकी के करीब नमक ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून इसमें हरी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। नमक डालने से जो मीठे का टेस्ट होता है वो और निखर कर आता है। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। मैं गुड़ की बना रही हूँ, तो 2 कप यानी 200 ग्राम मैंने कोकोनट लिया था, तो 200 ग्राम ही मैं इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो पहले गुड़ को मेल्ट करके फिर उसमें कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी गुड़ ऐड कर सकते हैं। अब गुड़ को हमें मेल्ट होने देना है, लो फ्लेम पर इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, काजू बादाम और पिस्ता कटा हुआ। तो ये फिलिंग हमारी बनकर अच्छे से रेडी हो चुकी है, इसको ठंडा होने देंगे हम। अब ये देखिए, चावल के आटे को 10 मिनट हमने ढक कर रखा था। अब हम इसको एक बड़े से बॉल में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसको गूंदना है और ये गर्म ही होना चाहिए। इसको फैन के नीचे ठंडा नहीं करना है, इसको सिर्फ हमें कवर करके 10 मिनट रख देना। आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकल रहा है, ये बहुत गर्म है और गर्म गर्म में ही इसको गूंदना है। देखिए, इस तरीके से आपको इसमें मुट्ठी मारते रहना है और गूंदते जाना है। अगर आपको गर्म लग रहा है या चटके लग रहे हैं, तो आप कोई कटोरी या ग्लास की बैक साइड से भी इसको गूंद सकते हैं। थोड़ा सा घी लगा लें इसके ऊपर और इसको गूंदते जाएं। जैसे आप चावल की रोटी बनाने के लिए आटे को गूंदते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपको सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार करना है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी। तो देखिए, आटा गूंदकर रेडी है, ये फिलिंग हमारी बनकर तैयार है। अब ये मैंने मोदक का मोल्ड ले लिया है, ये आपको बर्तन की दुकान पर मिल जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले घी लगा लेंगे, थोड़ा सा घी से इसको ग्रीस कर लेते हैं। अब चावल के आटे को इसमें लगा देंगे हम, छोटा छोटा सा हिस्सा ले लेना है हमें आटे का और इसमें अच्छे से दबाते हुए रख देना है आटे को। मैं आपको बिना मोल्ड के भी बनाना बताऊंगी कि आप बगैर मोल्ड के भी मोदक को बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी है मोदक को बनाना, इसमें कोई हार्ड नहीं है। कुछ लोग घबराते हैं कि ये बनाने में हार्ड होगा, बट ये बहुत ही सिंपल और इजीली बन जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको बंद कर देंगे और उंगलियों से अच्छे तरीके से दबाएंगे। उंगलियों पर आप घी भी लगा सकते हैं और इसको दबा देना है, ताकि डिज़ाइन आ जाए। अब सेंटर में हम फिलिंग भर देंगे कोकोनट की। मोदक बहुत सारे फ्लेवर्स में बनते हैं, फ्राई मोदक बनते हैं, ओरियो बिस्किट मोदक बनते हैं, और भी बहुत सारे गुलकंद मोदक, पान मोदक,
मावे वाले मोदक भी बनते हैं, तो सब एक एक करके इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। बस जो ट्रेडिशनली मोदक बनाया जाता है वो स्टीम मोदक बनते हैं, जिसकी फिलिंग कोकोनट की होती है और वो चावल के आटे को स्टीम देकर बनाया जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी डिज़ाइन आई है, आपको खींचना नहीं है, बहुत आहिस्ते से इसको तीनों उंगलियों की मदद से नीचे से ही निकालना है, ये निकल जाएगा ईजिली। तो देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा शेप आया है इसका और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है दिखने में। अब मैं आपको बगैर सांचे के भी बनाना बताऊंगी। तो एक छोटा सा हम आटा ले लेंगे, उसको थोड़ी छोटी सी कटोरी टाइप बना लेंगे। ये छोटी कटोरी बनाने के बाद अब इसमें फिलिंग को भर देंगे। फिलिंग को भरने के बाद अब हमें इसको पैक कर देना है, जैसे हम मोमोज बनाते हैं ना, इसे उसी तरीके से बनाना है। हल्के हाथों से इसको पैक कर देना है अच्छी तरह से, कहीं से खुला ना रहे, वरना स्टीम लेने के टाइम पर ये फट सकता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको मोदक की शेप दे दी है। अब हम स्टिक ले लेंगे और स्टिक से इसके ऊपर डिज़ाइन बना देंगे। हल्के हाथों से ये देखिए इस तरीके से स्टिक से हमें इस पर डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए कितने जल्दी से इजीली बिना सांचे के भी हमारा मोदक बनकर रेडी हो चुका है। और अगर आपको डिज़ाइन बनाना नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बगैर डिज़ाइन के भी इसको सिंपली बना सकते हैं। अब स्टीमर ले लेंगे, मैंने पानी डाला है उस पर, स्टैंड रख के जाली रख दी है और इसको कवर करके मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था। जब ये स्टीम हो गया अब इस पर हम घी लगा देंगे, डायरेक्ट मोदक को नहीं रखेंगे वरना वो चिपक जाएंगे। घी लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें रखना है, मोदक को चिपकाना नहीं है। अब इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसको स्टीम देना है। 10 मिनट में मोदक अच्छे से बनकर तैयार हो जाते हैं और ये जो होल था इस पर मैंने कागज़ फंसा दिया ताकि स्टीम बाहर ना आ सके। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे मोदक अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। और देखिए घी लगाने से ये चिपके नहीं है, इजीली निकल रहे हैं। अब इनको निकालने के बाद पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। देखिए मोदक हमारे पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब मैं आपको एक कट करके बताती हूँ। तो ये देखिए, देख सकते हैं आप अंदर से फीलिंग हमारी कितनी टेस्टी लग रही है और अच्छे से स्टीम भी हो चुके हैं मोदक। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और ये वाला देखिए, मैंने जो हाथ से बनाया था वो भी बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। ये मैंने केसर वाला दूध लिया है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया है। केसर को 10 मिनट के लिए दूध में भिगा कर रखा था। अब इसको हम डाल देंगे केसर वाले दूध को इसके ऊपर। केसर वाले दूध डालने से इस पर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से सारे मोदक पर हम डाल देंगे। तो आप भी इस गणपति पे ज़रूर इसे बनाकर ट्राई करें मेरे तरीके से। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।